वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो. देखो ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट का सोर्स है. इमिट साउंड इन ऑल डायरेक्शन इन नॉन ऑब्जॉर्बिंग मीडियम. द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ए डिस्टेंस 2 meter एंड 3 meter रिस्पेक्टिवली. द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एंड क्यू. देखना यहाँ पे, समझने की कोशिश करना. ये साउंड का सोर्स है, यहाँ से साउंड इमिट हो रहा है. अब हमारे पास दो सोर्स हैं, एक पॉइंट पी पर है जो कि यहाँ से 2 meter पर है और एक यहाँ से 3 meter पे है क्यू, बराबर है. तो ये जो रेडियस है वो इस टाइप का सर्कल बनेगा 2 meter का, और इसमें जो सर्कल बनेगा वो 3 meter का बनेगा, बराबर है. यहाँ साउंड इस तरह से ये रिसीव हो रहा. तो इंटेंसिटी क्या चीज होती है? पी पॉइंट की मैं पी पॉइंट पे इंटेंसिटी डिफाइन करूँ या की पॉइंट पे इंटेंसिटी डिफाइन करूँ, तो इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी. अब अगर तुम देखोगे एनर्जी जो पावर होती है वो एनर्जी अपॉन टी होती है, वर्क बाय टी होती है. इसका मतलब ये हुआ पावर ऑफ सोर्स अपॉन एरिया. तो पावर ऑफ सोर्स तो है, एक ही सोर्स है तो उसका पावर कांस्टेंट है, और एरिया ये जो सरफेस एरिया है ये 4πr² ये फार्मूला आप याद रखना, फिजिक्स में बहुत बार काम आएगा. P इज द पावर ऑफ द सोर्स और 4πr² वो स्फेरिकल एरिया जिसपे इंटेंसिटी रिसीव हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटी है, जो रेडियस है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ गया ये. अब इंटेंसिटी 2 और P एंड Q, P का कितना था बोलो, 2 था. तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर आ गया. तो R2 कितना था यार, 3/2 का स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ कि 9/4 इंटेंसिटी रेशियो होगा. मतलब सी ऑप्शन सही है, बराबर है.